साथियों, कितनी विचित्र बात है कि गांधारी ने 100 पुत्र एक साथ पैदा किए थे। आपको बड़ी हैरानी होगी और आपको ये लगता होगा कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा हुआ था। आज मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ था। जैसा कि आप सभी को पता है कि गांधारी के जो पति देव थे धृतराष्ट्र जी, वो अंधे थे, और गांधारी ने भी अपने पति के अंधा होने पर कसम खाई थी कि अगर ये संसार नहीं देख पा रहे तो मैं भी संसार नहीं देखूंगी। उन्होंने अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली थी। साथियों, तो एक दिन वेद व्यास जी वहाँ पर आ जाते हैं राज दरबार में, और इस बात को देखकर उनकी पतिव्रता धर्म को देखते हुए वेद व्यास जी बहुत खुश हुए और उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा गांधारी से। गांधारी ने कहा कि महाराज, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं 100 बेटों की माँ बन जाऊँ। तो महर्षि वेद व्यास जी ने वरदान दिया और चले गए। कुछ दिन के बाद गांधारी गर्भवती हो जाती है और बड़ी खुशी महसूस होती है, मिठाइयाँ बांटी जाती है। लेकिन साथियों, घटना क्या घटती है कि 2.5-3 वर्ष बीत गए लेकिन गांधारी माँ नहीं बनी। अब क्या था, गांधारी को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो साथियों, उसने क्रोधित होकर अपने पेट पर मुक्के मारने स्टार्ट कर दिए और अपना गर्भ गिरा दिया। इस बात का महर्षि वेद व्यास जी को पता चला और वे तुरंत महल आए और कारण पूछा। तो साथियों, महर्षि वेद व्यास जी ने वो जो पिंड था, मांस का पिंड था, उसके अपनी योग शक्ति से 100 टुकड़े कर दिए और 100 घड़ों के अंदर बंद कर दिए और 2 वर्ष के बाद घड़े खोलने के लिए बोला। तो साथियों, 100 के 100 घड़ों में पुत्र निकले। जो पहला घड़ा खोला गया, उस घड़े से जो बच्चा निकलता है उसका नाम दुर्योधन रखा जाता है। और प्रकृति में विचित्र गतिविधियाँ होने लगी। तो वेद व्यास जी ने कहा कि एक पुत्र की बलि दे दो, वरना आपके वंश का नाश कर देगा ये। ऐसा ही हुआ साथियों, ये बिल्कुल प्रमाणित बात है। धन्यवाद।